महाराष्ट्र में जारी हनुमान चालीसा विवाद शिवसेना के लिए खतरे की घंटी है। शिवसेना के हिंदुत्व की छवि को हनुमान चालीसा विवाद बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, इसका अंदाजा उद्धव ठाकरे की पार्टी को होने लगा है। बीजेपी जिस तरह से मनसे प्रमुख राज ठाकरे का खुलकर सपोर्ट कर रही है, उससे शिवसेना की चिंता बढ़ गई है। अभी तक शिवसेना बीजेपी नेताओं पर खुलकर हमला बोल रही थी, लेकिन अब शिवसेना यू टर्न लेती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर दी है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए राउत ने योगी का गुणगान करते हुए कहा कि योगी जी ने यूपी में विकास किया है। उनकी नजरों में योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की राजनीति करते हैं। इसके साथ ही संजय राउत ने योगी आदित्यनाथ से अपनी मुलाकातों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि वो जब भी अयोध्या जाते हैं और अगर उनकी सीएम योगी से मुलाकात हो जाती है तो वो हमेशा अच्छे से मिलते हैं। वहीं राउत ने राज ठाकरे पर योगी आदित्यनाथ की तारीफ को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे पहले योगी आदित्यनाथ को काफी कुछ कहते थे। उन्होंने यहां तक बताया कि पहले राज ठाकरे सीएम योगी को टकलू कहकर संबोधित करते थे, वो उनकी कार्यशैली का मजाक बनाते थे। संजय राउत ने सड़कों पर नमाज को लेकर भी शिवसेना का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे पहले अगर ये मुद्दा किसी ने उठाया था तो वो बाला साहेब ठाकरे थे। उनकी नजरों में जब महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बनी थी तब बाला साहेब ठाकरे ने सुझाव दिया था कि मस्जिदों का सरफेस एरिया बढ़ाया जा सकता है, ऐसा होने पर लोग सड़क पर नमाज पढ़ने नहीं आएंगे। वहीं राज ठाकरे के 3 मई तक लाउडस्पीकर बंद करने वाले अल्टीमेटम पर राउत ने कहा कि जिसके खुद की पार्टी डेड हो गई हो वो दूसरे को क्या चेतावनी देगा। बता दें कि लाउडस्पीकर विवाद के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब शिवसेना नेताओं ने बीजेपी की खुलकर तारीफ शुरू की है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या शिवसेना को समझ आ गया है कि उनके हाथ से हिंदुत्व की राजनीति फिसल रही है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।